दोस्तों, अगर आप भी अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह को बेहतर बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथे टी20 मैच में आया शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह का तूफान। जी हां दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए चौथे टी20 मैच में शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने शानदार अर्धशतक के बाद रिंकू सिंह ने अपने बल्ले से अंतिम ओवर में रनों की ऐसी बारिश की जिसके सामने जिम्बाब्वे की टीम जीते हुए मैच को हार गई। तो आखिरकार कैसे शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के अर्धशतक के बाद रिंकू सिंह ने अंतिम ओवर में विस्फोटक पारी खेलकर भारतीय टीम को नामुमकिन सी जीत दिलाई, ये तो हम आपको बताएंगे। साथ ही इस रोमांचक मैच की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह में कौन है भारतीय टीम का सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है जिसके 3 मैच समाप्त हो चुके हैं। इस बीच आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच चौथा टी20 मैच खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल टी20 मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं और बल्लेबाजी के लिए जिम्बाब्वे की टीम को आमंत्रित करते हैं। इस बीच जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए सबसे पहले मेधेवेरे और मारुमणि आते हैं, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को आगे ले जाने का काम किया। इसी बीच गेंदबाजी की शुरुआत करने आए मुकेश कुमार ने आते ही पहले ओवर में ही मेधेवेरे को मात्र 2 रन के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ब्रायन बेनेट, जिन्होंने जिम्बाब्वे की टीम को संभालने का कार्य किया। इस बीच दोनों ने टीम को आगे ले जाते हुए पावर प्ले की समाप्ति तक 65 रन 1 विकेट पर बनाए। इस बीच दोनों बल्लेबाज टीम को आगे ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस बीच गेंदबाजी करने के लिए आए 9वें ओवर में रवि बिश्नोई ने मारुमणि को मात्र 35 के स्कोर पर LBW आउट करते हुए पवेलियन को रवाना कर दिया, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान सिकंदर राजा मैदान पर आए, जिन्होंने ब्रायन बेनेट के साथ मिलकर टीम को संभाल लिया। इस बीच ब्रायन बेनेट ने 12 ओवर के अंदर अपना अर्धशतक छक्का लगाने के साथ पूरा किया। हालांकि वो इतने से भी नहीं माने, बल्कि उन्होंने और भी ज्यादा तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया। इस बीच कप्तान सिकंदर रजा भी अब अपने अर्धशतक के करीब पहुंचते हुए दिखाई दिए, लेकिन इस बीच कप्तान सिकंदर रजा के करीब पहुंच रहे थे तो ब्रायन बेनेट भी अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन इस बीच गेंदबाजी करने के लिए आए वॉशिंगटन सुंदर ने सिकंदर रजा के सामने छक्का खाने के बाद उनका विकेट भी इसी ओवर में ले लिया, जहां पर कप्तान सिकंदर रजा को 55 रन के स्कोर पर 17वें ओवर के अंदर वॉशिंगटन सुंदर ने क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए मायर्स मैदान पर। हालांकि मायर्स भी आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 18वें ओवर के अंदर आवेश खान के सामने विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन को लौट गए, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए मसाकजा आए, जिन्होंने अंतिम ओवर में 2 छक्के लगाते हुए 15 रन की पारी खेली। तो दूसरी तरफ से ब्रायन बेनेट ने 19वें ओवर में लगातार 3 चौके लगाते हुए अपना शतक पूरा किया और अंत तक नाबाद रहे, जहां पर ब्रायन बेनेट ने 108 रन की नाबाद पारी खेली, जिसके चलते जिम्बाब्वे की टीम ने अब 20 ओवर में 228 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए। स्कोर बहुत बड़ा था। इस बीच भारतीय टीम की तरफ से मुकेश कुमार, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई और आवेश खान को एक एक विकेट मिला। ऐसे में अब भारतीय टीम को जीत के लिए 229 रनों जैसे बड़े से लक्ष्य को हासिल करना था, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए अब कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल मैदान पर आए, जहां पर दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी कर टीम को बेहतर शुरुआत दिलाने की कोशिश की, जहां पर दोनों ने तेजी से बल्लेबाजी करने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान गेंदबाजी करने के लिए आए मुजरबानी ने शुभमन गिल को परेशान किया, लेकिन उन्होंने 2 चौके लगाते हुए स्कोर बोर्ड को आगे ले जाने का काम किया। तो दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल ने अपना विकेट 3रे ओवर के अंदर इसी गेंदबाज के खिलाफ दे दिया, जहां पर मुजरबानी ने यशस्वी जायसवाल को मात्र 8 रन बनाने के बाद विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अभिषेक शर्मा मैदान पर आए। इस बीच अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के बीच में बेहतरीन बल्लेबाजी हुई और दोनों ने टीम को मजबूती से संभालने का काम किया और टीम को आगे ले गए, जहां पर दोनों ने पावर प्ले की समाप्ति तक बेहतर बल्लेबाजी की। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले के समाप्त होने तक 62 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना दिए। हालांकि भारतीय टीम अभी तक पीछे चल रही थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज
शानदार प्रदर्शन करते हैं, जहां पर अभिषेक शर्मा ने तेजी से स्कोर बोर्ड को आगे ले जाने का काम किया। लेकिन इस बीच दूसरी तरफ से कप्तान शुभमन गिल ने बेहतर बल्लेबाजी करते हुए 11वें ओवर के अंदर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, तो दूसरी तरफ से अभिषेक शर्मा ने 12वें ओवर के अंदर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और तेजी से आगे भी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने लगे। लेकिन इस बीच 13वें ओवर के अंदर गेंदबाजी करने आए कप्तान सिकंदर रजा ने भारतीय टीम को तगड़ा झटका दे दिया, जहां पर उन्होंने कप्तान शुभमन गिल को 58 रन बनाने के बाद मुजरबानी के द्वारा कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया। इस बीच बल्लेबाजी करने आए ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर, जिन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर टीम को संभाला। लेकिन इस बीच ऋतुराज गायकवाड़ भी ज्यादा देर तक टीम को संभाल नहीं पाए और 16वें ओवर की गेंदबाजी करने आए चतारा के सामने बाउंड्री पर खड़े मारू मणि के हाथों कैच आउट हो गए 18 रन के स्कोर पर, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे मैदान पर आए। लेकिन शिवम दुबे का साथ दे रहे अभिषेक शर्मा अपना शतक लगाने से चूक गए और 18वें ओवर के अंदर मसागजा के सामने क्लीन बोल्ड होकर 78 रन के स्कोर पर पवेलियन को लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आए, जिन्होंने शिवम दुबे के साथ मिलकर टीम को संभालने का काम किया। लेकिन इस बीच काफी ज्यादा मैच रोमांचक हो गया, क्योंकि जीत के लिए 2 ओवर में 22 रनों की जरूरत थी। इस बीच सबसे महत्वपूर्ण 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ब्रायन बेनेट ने मात्र एक छक्का खाते हुए 8 रन देते हुए शिवम दुबे को LBW आउट कर दिया और इसी के साथ ही शिवम दुबे 14 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए वॉशिंगटन सुंदर आए, लेकिन अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी रिंकू सिंह के ऊपर थी, क्योंकि अंतिम ओवर में जीत के लिए 14 रनों की जरूरत थी, जहां पर गेंदबाजी करने के लिए मुजरबानी आए। इस बीच पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह ने लंबी गेंद का फायदा उठाते हुए सामने की तरफ चौका लगाते हुए स्ट्रेट ड्राइव के जरिए गेंदबाज के ऊपर दबाव डाला। हालांकि दूसरी गेंद पर फ्लिक शॉट के जरिए उन्होंने एक और चौका बटोरा, लेकिन जब तीसरी गेंद पर उन्हें फुल टॉस गेंद डाली गई तो उन्होंने सामने की तरफ एक बार फिर से चौका लगा दिया। ऐसे में अब अगली गेंद पर मुजरबानी ने शानदार मुस्तैदी दिखाते हुए एक भी रन नहीं दिया और अब अंतिम गेंद पर 2 रनों की जरूरत पड़ी तो रिंकू सिंह ने लंबी गेंद को कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिड ऑन के ऊपर से छक्का लगाते हुए 32 रनों का योगदान दिया और इस मैच में भारतीय टीम को जीत दिलाई, जिसको देखकर भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ कि और ऐसे ही बेहतरीन प्रदर्शन आप आगे करते रहिए और अब उम्मीद लगा ली है कि 4थे T20 मैच के अंदर हम जीतने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ 4थे T20 मैच में जीत मिल पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ 4थे T20 मैच में रिंकू सिंह ने दिखाया अपना खौफनाक मंजर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही T20 सीरीज के दौरान रिंकू सिंह ने अभ्यास मैच के अंदर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर तहलका मचाते हुए इतिहास रच दिया। इस दौरान रिंकू सिंह ने युवराज सिंह के बड़े रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। तो आखिर कैसे रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए युवराज सिंह के बेशकीमती रिकॉर्ड को तोड़ दिया, ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ में अब उनकी तूफानी पारी का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन ये सब कुछ जानने के लिए आप पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, अपनी राय नीचे हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच में फिलहाल T20 सीरीज खेली जा रही है, जहां पर भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मैच में 13 रन से हार का सामना किया, तो वहीं दूसरे मैच में भारतीय टीम 100 रन से जीती और तीसरे मैच को भारतीय टीम 13 रन से जीत गई। हालांकि इसके बाद अब भारतीय टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ 4था T20 मैच 13 जुलाई को इसी मैदान पर खेलना है, जिसकी तैयारी के लिए दोनों टीम लग गई है। अब जहां पर भारतीय टीम ने अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए एक अभ्यास मैच खेला, जहां पर भारतीय टीम के 16 रन के स्कोर पर 4 ओवर के अंदर ही 3 विकेट गिर गए, जिसके बाद रिंकू सिंह ने आकर टीम को संभाल लिया। इस बीच रिंकू सिंह ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के जरिए मैदान के चारों तरफ चौके और छक्कों की बारिश करते हुए सभी को प्रभावित कर दिया, जहां पर उन्होंने 7 गेंदों पर 7 छक्के लगाकर जमकर तहलका मचाया। दरअसल रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज मुजरबानी को निशाना बनाते हुए उनके 1 ओवर में 6 छक्के लगा दिए। आपको बता दें कि मुजरबानी ने पहली गेंद यॉर्कर के रूप में डाल दी, जिसका फायदा रिंकू सिंह बिल्कुल भी नहीं उठा सकते थे, परंतु उन्होंने आगे बढ़कर यॉर्कर को फुल टॉस में तब्दील कर छक्का लगाते हुए ओवर की शुरुआत की और बता दिया कि इस मैच के अंदर रिंकू सिंह इसी तरीके से बेहतर बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसके अलावा अगली गेंद पर मुजरबानी ने छोटी गेंद डाली, जिसका फायदा रिंकू सिंह ने उठाया।
इस बीच रिंकू सिंह ने पीछे की तरफ पुल शॉट खेलकर छक्का लगा दिया। इतना ही नहीं, रिंकू सिंह ने गेंदबाज मुजरबानी के सामने डाली गई लंबी गेंद का फायदा उठाकर मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का लगाया और इसी तरीके से बेहतर बल्लेबाजी करते हुए लगातार तीन गेंद पर तीन छक्के लगाकर अपने छक्कों की हैट्रिक पूरी कर ली। हालांकि जब चौथी गेंद डाली गई तो रिंकू सिंह ने काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बाउंसर पर पीछे की तरफ छक्का लगा दिया और बताया कि उनके पास तकनीक से बल्लेबाजी करने की क्षमता भी है।